बड़ी खबर दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। चुनाव के बीच दिल्ली में विवादित पोस्टर लगे हैं, लुटियंस दिल्ली के इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक को दिखाया गया है। 25 मई को कांग्रेस को वोट देने की अपील की गई है, यासीन मलिक को रिहा करने की भी अपील है। दिल्ली पुलिस ने विवादित पोस्टर फिलहाल हटा दिए हैं। जैनेन्द्र, एक पूरा मामला है क्या, जरा कुछ और जानकारी आप तक पहुंची हो तो बताइए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में मंडी हाउस के पास में जो चौराहा है वहां पर ये सुबह ये पोस्टर देखे गए जिसमें कि यासीन मलिक की तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ थी और उसमें कांग्रेस को वोट करने की अपील की गई थी। जाहिर सी बात है ये जो पोस्टर था ये इसमें वोट करने की अपील कांग्रेस को की गई थी, लेकिन समझना मुश्किल नहीं है कि ये कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए ये पोस्टर लगाए गए थे और इस पोस्टर को लेकर के कांग्रेस को घेरना भी शुरू कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी आई टी सेल के नेता अमित मालवीय ने बाकायदा ट्वीट किया, ये पोस्टर अखिलेश हटा दिया है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन अब तक इस मामले में कार्रवाई क्या की है यह सामने नहीं आई है। मंडी हाउस जो चौराहा है वहां पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो वो दो मिनट में पता कर सकती है कि ये पोस्टर किसने लगाए, कितने बजे लगाए और इस मामले पर वो कार्रवाई कर सकती है। पोस्टर लगे, हटा दिए गए, पोस्टर की भाषा से ही साफ है कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाए गए थे, लेकिन अब तक इस मामले में कोई साजिश भी ये सब कुछ हो सकता है ये इशारा आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेन्द्र फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।